का जिक्र है। दो बहनें थीं, मंजीता और लरेना। ये दोनों एक छोटे से घर में रहती थीं। मंजीता एक मेहनती लड़की थी। वो फ्री टाइम में अपने अब्बू की दुकान पर काम करती थी और लरेना को सैर करना और मजे करना बहुत पसंद था। जब वो बोर होती थी तो दरिया किनारे जाकर खुद को संवारा करती थी। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन मंजीता और लरेना के अब्बू लंबे सफर पर गए जहाँ से कोई वापसी नहीं थी। मंजीता अपने अब्बू के जाने पर बहुत अफसरदा थी जबकि लरेना बहुत खुश थी। अब मैं रोज दरिया के किनारे बैठ सकती हूँ सुबह तक। अपने अब्बू के जाने के बाद मंजीता ने मजीद मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह सुबह सफाई किया करती थी, शाम में मजेदार सूप बनाती थी और कपड़े भी धोया करती थी। लेकिन लरेना अपनी बहन को सिर्फ तंग किया करती थी। घर के साफ कालीन को गंदा करना, सूप में ठंडा पानी डालना उसका मामूल था। अभी तक सूप ठंडा क्यों है? और ये कारपेट गंदा कैसे हुआ? मैंने अभी साफ किया था। तुम जिन जानवरों को खाना खिलाती हो उन्होंने इसे गंदा किया है। एक दिन लरेना जंगल में टहलने गई। वो कच्चे फल तोड़कर दरिया में फेंक रही थी। तब एक बूढ़ी औरत टहलती हुई उसके पास आई। हेलो प्यारी लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? लरेना ने बहुत दिलचस्पी से उस बूढ़ी औरत की तरफ कच्ची स्ट्रॉबेरीज बढ़ाई। मैम, आप जितना चाहे खा सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मजेदार स्ट्रॉबेरीज हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने स्ट्रॉबेरीज खाई उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरीज ठीक है? खैर शुक्रिया। लरेना के जाते ही बूढ़ी औरत वहीं गिर गई, जबकि मंजीता सब्जी लेने के लिए उसी जंगल से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो जल्दी से उसको घर ले आई और उसे बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। ये औरत यहाँ पर हमारे घर में क्या कर रही है? इतनी बदबू आ रही है इससे। ऐसा नहीं कहते लरेना, ये औरत बहुत बीमार है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। मंजीता ने उस बूढ़ी औरत के लिए गरम सूप और जड़ी बूटियों वाली चाय बनाई, लेकिन लरेना ने वो सारा सूप खामोशी से फेंक दिया और चाय में भी मिट्टी डाल दी। लरेना, क्या तुमने उनकी चाय में मिट्टी डाली है? बताओ मुझे अभी। नहीं, मैंने हरगिज नहीं डाली है, उस बूढ़ी औरत ने खुद डाली होगी। कुछ ही दिन बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो गई। तुम एक रहम दिल लड़की हो मंजीता, अगर तुम कभी बीमार हो तो तुम ये ब्लू बेरीज रोजाना खाना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मंजीता सारे घर का काम अकेले करके थक चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और आराम करने लगी। लरेना, तुम मुझे वो ब्लू बेरीज लाकर दे सकती हो जो बूढ़ी औरत ने दी थी? लेकिन लरेना ने सारी ब्लूबेरीज खुद खा ली। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जिन परिंदों को तुम खाना खिलाती हो यकीनन उन्होंने खा लिया होगा। मंजीता और बीमार हो गई और बुखार की हालत में बिना कुछ खाए ही सो गई। और लरेना अपने बाल संवारने के लिए दरिया किनारे चली गई। रास्ते में वो बूढ़ी औरत फिर उसके सामने आ गई। ए छोटी लड़की, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो अपने काम पर चली गई है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? बूढ़ी औरत को पता चल गया कि लरेना झूठ बोल रही है। वो फौरन मंजीता के घर चली गई। जब बूढ़ी औरत ने मंजीता को इस हालत में देखा, वो बहुत अफसरदा हुई और बहुत देर तक रोई। लरेना जो उनको खिड़की से देख रही थी बहुत खुश हुई। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी बन गई। लरेना परी को देख के बहुत हैरान हुई। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम तो एक परी हो। मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी, लेकिन मेरा एक काम कर दो, मेरे बाल दुनिया के सबसे प्यारे बाल कर दो।
जल्दी जादू इस्तेमाल करो, मेरी ख्वाहिशों को सच कर दो। परी को याद आया कि जब उसने लरीना को पहली बार देखा था तो वो एक बूढ़ी औरत बन गई थी, ये देखने के लिए कि लरीना एक अच्छी इंसान है या नहीं। मैंने तुम्हें अच्छाई करने का हमेशा मौका दिया लरीना, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। फिर उसी वक्त परी ने उस पे अपना जादू किया। लरीना के सारे बाल वेवी हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया है? क्या हो गया? इतने बुरे बाल हो गए हैं। अपने बाल देखने के लिए लरीना दरिया के किनारे चली गई। उसने देखा कि उसके सर के पास मक्खियाँ उड़ रही थी। उसके बाल एकदम से जमीन में फंस गए। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ, मैं अपने आप को देखना भी नहीं चाहती। परी ने मंजीता को प्यार से एक बेरी खिलाई। मंजीता बिल्कुल ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। आपका बहुत शुक्रिया परी, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। परी ने दो दफा अपने हाथ को लहराया और उसके छोटे से घर को एक आलीशान महल में तब्दील कर दिया। मंजीता महल को देखकर बहुत हैरान और खुश हुई। अच्छाई का सिला हमेशा मिलता है लड़की, और ये महल तुम्हारा इनाम है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? वो दरिया के किनारे बैठकर हमेशा अपने बदसूरत चेहरे को देखेगी। लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, इस महल में उसके बगैर रहने का क्या फायदा? हम उस छोटे से घर में खुश रहना चाहते हैं। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ। मंजीता के ये अल्फाज सुनने के बाद परी बहुत खुश हुई। सबसे पहले परी ने महल को वापस उस घर में बदला। फिर वो लरीना के पास गई और अपनी जादुई छड़ी की मदद से लरीना के बालों को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया। लरीना ने खुश होकर मंजीता को अपने गले से लगा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। तुमसे वादा करती हूँ आज से एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी। लरीना समझ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने में ही सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बाबा।